हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी डी टी एंड डी टी एस प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट नोट्स को लेकर आई हूँ, जो आपको सी टी 6 to 8 के लिए जो लोग सोशल स्टडीज से एग्जाम देते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको समाहित किया गया है। कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक को तो देखते हैं कि उसमें पूरा स्टोरी टाइप से बनाया हुए रहता है। तो अगर आपके पास कम समय है, वैसे भी एग्जाम में बहुत कम समय है, 3 ही महीने बाकी रह गए हैं, और अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, पूरे बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप इस नोट्स को अगर पढ़िएगा तो आसानी से आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, क्वालिफाई ही नहीं कर सकते, अच्छे मार्क्स से कर सकते हैं। और आगे मैं जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी आता है उसका भी वीडियोस दूंगी। वैसे बहुत सारा वीडियो चाइल्ड साइकोलॉजी का मेरे चैनल पे अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चैप्टर है उपनिषद, बौद्ध और जैन। तो आप लोग क्या करिए, मेरे साथ साथ अपना कॉपी और पेन उठाइए और नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स आपके पास रहेगा तभी आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा। उपनिषद यानी 500 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। और उपनिषद नाम जो आप सुनते हैं यह है क्या, तो यह उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। और इस ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ग्रंथ में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो बातचीत होती है उस बातचीत का ही संकलन इस ग्रंथ में आपको मिलेगा। ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में है। इन वार्तालाप में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण एवं राजा होते थे, यद्यपि गार्गी जैसी एकाध महिलाओं का भी उदाहरण मिलता है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये जो उपनिषद है यह सामान्य वार्तालाप के रूप में है, और इस वार्तालाप में जो भाग लेने वाले हैं उसमें से अधिकांशतः ब्राह्मण है, पुरुष ब्राह्मण है और राजा है, लेकिन इसमें आपको एकाध महिलाएं जैसे गार्गी, नाम सुनते होइएगा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, गार्गी जैसी महिलाओं का भी उदाहरण आपको मिलेगा। उपनिषद में गूढ़ प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है, और उपनिषद में जो बहुत ज़्यादा गूढ़ प्रश्न है उसका भी उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया है। ये प्रश्न थे मृत्यु के बाद जीवन, यज्ञ की उपयोगिता, आत्मा, ब्रह्मा, जगत इत्यादि। और ये प्रश्न क्या थे, मृत्यु के बाद का जीवन, जो हम सबके मन में चलते रहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा, फिर यज्ञ जो होता है उसकी उपयोगिता क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है और जगत क्या है। इन गूढ़ प्रश्न का भी, बहुत कठिन प्रश्न होता है, इसका भी उत्तर ढूंढने का उसमें प्रयास किया गया है। निर्धन व्यक्ति इस वार्तालापों में हिस्सा नहीं लेते थे। एकमात्र अपवाद सत्यकाम जावाला था, और इसमें भी निर्धन व्यक्ति जो होते थे सो भी वार्तालाप में हिस्सा नहीं लेते थे। जैसे मैंने बताया पहले भी कि वार्तालाप में भाग लेने वाले ज़्यादातर पुरुष होते थे, लेकिन अपवाद में गार्गी जैसी महिलाएं भी हैं। इसी तरह अपवाद में एक सत्यकाम जावाल है। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम को गौतम नामक एक ब्राह्मण ने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था, और इस सत्यकाम जो था इसको गौतम नामक एक ब्राह्मण थे जिन्होंने इनको विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो पढ़ने में रोचक है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। इसी दौरान 4 आश्रम की बात की गई जिसमें स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और इस दौरान 4 आश्रम की बात की गई थी जिसमें से स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को अपने पति द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुपालन करना पड़ता था, और जितनी महिलाएं होती थी उनको जो पति के द्वारा पालन किया जाने वाला जो आश्रम था उसी का अनुपालन करना पड़ता था। अब देखते हैं सांची की एक झलक। 19वीं सदी में यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। 19वीं सदी में यूरोप में लोगों के मन में सांची के प्रति बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्व
तारेन द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। देखिए, फ्रांसीसियों में से सबसे अच्छी हालत में बचा हुआ है सांची का पूर्वोत्तर तारेन द्वार। इनको फ्रांस के संग्रहालय में इसको प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम जो थी से फ्रांस जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसा ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए और कुछ समय के लिए अंग्रेज ने भी ऐसी ही कोशिश की। और सौभाग्य था कि सौभाग्यवर फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों बड़ी सावधानी से बनाई हुई प्लास्टर प्रतिकृतियों के प्लास्टर की जो प्रतिकृतियां थी उससे संतुष्ट हो गए और इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। और इसकी मूल कृति जो थी वह भोपाल राज्य में जो इसका जगह था उस जगह पर ही रह गया। भोपाल के शासकों शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान किया। और भोपाल के जो शासक थे और शाहजहां बेगम और शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी सुल्तान बेगम, तो इन्होंने इसको इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। और जॉन मार्शल ने सांची पर लिखा हुआ जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था इसको अपनी बेगम महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को इन्होंने समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय में अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। और सुल्तान जहां बेगम जो थी सो वहां पे ही एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला जहां पे लोग रहते थे उनको बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपर्युक्त पुस्तकें लिखी और इन पुस्तकों में विभिन्न खंडों में प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। और मार्शल ने ही पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ उसके प्रकाशन के लिए भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। ठीक है, भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल के भोपाल का इतिहास है। ठीक है, और भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम की जो आत्मकथा है क्या है, ताज उल इकबाल। ठीक है, तारीख भोपाल के इतिहास का ही भोपाल का इतिहास है। ठीक है, बौद्ध धर्म तथा ग्रंथ अब इसको देख लेते हैं। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। बुद्ध का जो कोई भी संभाषण था उनको इनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों तथा ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा बिहार स्थित वैशाली में बुलाई और वहाँ पर ही इनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। और जब उनकी मृत्यु हो गई, जीवन काल में तो नहीं लिखा गया, मृत्यु के बाद 5वीं और 4वीं सदी में उनके शिष्य ज्येष्ठ तथा वरिष्ठ श्रमणों को बिहार में जो वैशाली है वहाँ पे बुलाया और वहाँ पर ही उनकी शिक्षा का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक, इस शब्द से आप लोग परिचित होंगे, इन संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का अर्थ होता है भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए तीन टोकरियाँ। ठीक है, विनय पीटिका में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। और विनय पीटिका जो है, विनय पीटिका में क्या है, संघ तथा बौद्ध मठों में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए जो नियम बना हुआ था उसी नियम का संग्रह बौद्ध विनय पीटिका में है। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पीटिक में रखी गई है और दर्शन से जुड़ी विषय अभिधम पीटक में। और तीन जो वो बनी थी उसमें से त्रिपिटक, तो त्रिपिटक में से बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, ठीक है, इनको सुत पिटक में डाल रखा गया और दर्शन से जुड़े हुए विषय जो थे उसको अधिधम पिटक में डाला गया। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला तो द्वीप वंश यानी द्वीप का इतिहास और महावंश यानी महान इतिहास जैसे विशेष क्षेत्र के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई और इनमें से कई रचनाएं आपको मिलेगी जिसमें बुद्ध की जीवनी भी लिखी गई। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है, बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। और ज़्यादातर जो ग्रंथ है वो आपको मिलेंगे पाली में और बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियोज़ में बुद्ध की शिक्षाएँ और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है
उसको मैं बताऊंगी, समझिए आगे का जो जो वीडियोज होगा उसमें बुद्धि की शिक्षा के बारे में ही बताया जाएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो इस तरह का वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर सब्जेक्ट का इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, जिस जो आपके 6 to 8 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 1 to 5 के लिए तो मैं VS का लगभग चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ, बहुत कम ही बाकी है, तो उसको अगर आप देखना चाहें तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।